छपरा के सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, तो वहीं एक व्यक्ति किसी तरह से जान बचाकर फरार हो गया। आपको बता दें, ये घटना कहीं और की नहीं, छपरा की है, जहां पे एक शादी समारोह का कार्यक्रम समाप्त करते हुए हलवाइयों को लेकर जा रही वाहन चार चक्की बोलेरो कार ने नहर के किनारे अचानक गिर गई, जिसके कारण वाहन के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसी में एक व्यक्ति किसी तरह से अपनी जान को बचाकर बाहर निकल गया, जिसके बाद क्या था, गाँव वालों ने हल्ला किया और तुरंत उसे पुलिस की सूचना देते हुए पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर आकर किसी तरह से 5ों पोस्टमार्टम के लिए शव को बरामद कर भेज दिया गया है। इस घटना को देखकर इलाके लोगों ने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी तेज रफ्तार में गाड़ी जा रही थी, जिसके कारण ये डिसबैलेंस होने के कारण ये नहर पर गिर गई और इस तरह की घटना घटी है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उस वाहन के अंदर जिस तरह से बचाव कर एक व्यक्ति बाहर निकली थी, उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पिताजी मेरे बनोई के घर है, राजापट्टी कोठी के बगल में सुनवलिया गाँव है, वहाँ के एक दिनेश सिंह है, उनके ससुराल श्राद्ध कर्म था। मेरे पिताजी हलवाई का काम करते थे, अब उनको पिताजी को लेकर वो लोग गए, लोग चलिए वहाँ पर कुछ करना नहीं, अपना बैठकर अपना सब देखकर काम कराइएगा। और सब काम करा कर वो लोग रात में खाना वाना खा कर 9 बजे करीब वहाँ से चल दिए लोग। आई 40 फुल के आगे एक नहर है, 40 फुल के आगे एक नहर है कर्ण कोदरिया के समीप, वहीं पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में जाकर गिर गई। उसमें 5-6 आदमी सवार लोग थे, एक आदमी बच कर निकला, वही सब लोग बताया, ग्रामीण वहाँ पर जुटे, ग्रामीणों के सहायता से वहाँ पर सबको